आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, अपना प्रश्न। एक समांतर प्रकाश पुंज जिसकी तरंगदैर्ध्य 3141.59 एंगस्ट्रॉम है, एक छोटे द्वारक पर आपतित है। द्वारक से निकलने के बाद पुंज लंबी दूरी तक समांतर नहीं रहता, परंतु यह आपतित किरण की दिशा में 1 एंगस्ट्रॉम से फैलता है। द्वारक का व्यास कितना है? तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ से ये किरणें क्या है, समांतर किरणें आपतित हो रही है इस द्वारक पे, और यहाँ के बाद ये किरणें क्या हो जा रही है, विवर्तित हो जा रही है, और इन किरणों का विवर्तन कितना है, 1 डिग्री है। विवर्तन कोण दिया हुआ है 1 डिग्री। बोल रहा है इस द्वारक का व्यास कितना होगा, जबकि लैम्ब्डा दिया हुआ है। लैम्ब्डा कितना दिया हुआ है अपने पास, आपतित किरण की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, 3141.59 एंगस्ट्रॉम। तो एकल झेरी विवर्तन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लैम्ब्डा बटा ये, यहाँ लैम्ब्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और ये द्वारक का व्यास होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा बटा साइन थीटा। तो यहां से ए बराबर हो जाएगा, लैम्ब्डा का मान दिया हुआ है कितना, 3141.59 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में लिखेंगे तो ये होगा 10^-10 मीटर। और साइन थीटा का मान दिया हुआ है साइन 1 डिग्री। थीटा का मान दिया हुआ है कितना, अब साइन 1 डिग्री का मान होता है 0.01745। अब इसको हल करोगे तो ये हल करने पर कितना आएगा, ए बराबर आ जाएगा 1,80,000 गुणा 10^-10, और ये किस में आएगा, मीटर में। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको हल कर दो तो 4 जीरो यहाँ चला जाएगा, तो 18 गुना कितना बचेगा, 10^-6 मीटर। तो यहाँ से ए का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइक्रोमीटर। स्लिट्स का ये क्या हो गया, व्यास। तो अपना जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा होगा, दूसरा होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।